कन्हान थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय महामार्ग पर गत 3 फरवरी को साप्ताहिक बाजार में असामाजिक तत्वों द्वारा हथियारों से लैस होकर तोड़फोड़ करने के मामले में मुख्य आरोपी के छोटे भाई राहुल पंचम सलामी की मौत के बाद रविवार की शाम को शव के साथ कन्हान पुलिस थाने के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उग्र लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई और जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जानकारी के मुताबिक शव को थाने के सामने रखने की भी कोशिश की गई। इस दौरान शव यात्रा में शामिल लोग तथा पुलिस के बीच झड़प हुई। कुछ लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद भीड़ और उग्र हो गई तथा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने खुद शव को कंधा देकर थाने से दूर ले जाकर रख दिया। फिर शव यात्रा में शामिल नेताओं से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए उप विभागीय पुलिस अधिकारी मुख्तार बागवान के नेतृत्व में कन्हान को छावनी का रूप दे दिया गया। पूरे जिले में 10 पुलिस अधिकारी देवलापार, मौदा, खापरखेड़ा, पारशिवनी पुलिस मुख्यालय सहित दंगा नियंत्रण पथक को भी कन्हान में जगह जगह पर तैनात किए गए। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।